अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दी केरला स्टोरी बहुत ही ज्यादा विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि इस फिल्म में धर्म और हिंदू मुस्लिम जैसे कंटेंट को दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा के काम को बहुत ही ज्यादा सराहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं अदा शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अदा शर्मा का जन्म एक मलयाली पलक्कड़ अय्यर परिवार में हुआ था। वो एक सर्कस कलाकार बनने की ख्वाहिश रखती थी। अदा एक प्रशिक्षण कथक, साल्सा, जैज और बेली डांसर है। वो एक अच्छी जिम्नास्ट है और शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि वो 3 वर्ष की उम्र में भगवत गीता का पाठ करती थी। वो तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और मराठी जैसी विभिन्न भाषाएं बोल सकती है। अदा शर्मा अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योगा करती है। अदा को अपने खाली समय में फिल्में देखना, कविताएं लिखना, लोगों की नकल करना और पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। अदा को लाइफस्टाइल, फेमिना और फिट लुक जैसी विभिन्न पत्रिकाओं के कवर पेज पर चित्रित किया गया है। अदा कुछ वर्षों के लिए पेटा की राजदूतों में से एक रही है। अदा को जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है और वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानवरों के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती है।